हमारी लाइब्रेरी जो है गाइस प्यारी सी बना ली है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस मेरा नाम अजय और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम फिर से एक माइनक्राफ्ट की दुनिया में हैं। गौलम भाई तुझे क्या हो चुका है यार, गौलम भाई तुझे क्या हो चुका है। तो गाइस ये है फिर से एक और वन ब्लॉक की सीरीज। तो गाइस अगर आप नए हो चैनल पर तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि गाइस मैं आज एक चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो गाइस अगर इस वीडियो पर मतलब कि जितने भी लाइक्स आए, तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स तो आएंगे ही। तो गाइस मतलब कि एक लाइक इक्वल्स टू वन रुपीज़, ठीक है ना। क्योंकि भाई मेरा मन है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो गाइस इसीलिए मैं आपकी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। तो गाइस एक लाइक इक्वल्स टू वन रुपीज़, यस गाइस। तो अगर इस वीडियो पर लाख लाइक्स आ गए तो गाइस लाख रुपए, यस आई एम नॉट गोना गिव इट अवे टू एनी ऑफ यू। तो गाइस मैं उन्हीं क्या नाम है उन्हीं जो मैं इकट्ठे जो करूँगा, गाइस वन लाइक इक्वल्स वन रुपीज़, तो उन्हीं में से मैं जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 10,000 लाइक्स आए तो 10,000 रुपये, तो गाइस 10,000 रुपये का मैं कुछ ना कुछ आप लोगों में बांट दूंगा, मतलब कि कोई ना कोई गिव अवे कर दूंगा। गाइस फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू सम मिनी गेम और समथिंग। तो गाइस मतलब कि क्योंकि घर पे रह रहे हो आप, और ऑब्वियसली घर पे भाई बंदा बोर हो जाता है। तो गाइस इट्स अनयूजुअल कि भाई मैं इस वीडियो पे बोलूं। तो गाइस आई होप कि आपको मतलब कि समझ आ रही हो कि भाई ये वायरस कितना डेडली है। तो प्लीज़ आप भी सेफ रहिए, औरों को भी सावधान कीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता तो गाइस औरों को भी सेफ कीजिएगा। तो गाइस अगर क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, एंड एनीवेज नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो गाइस कंटिन्यू वीडियो करने के लिए, तो गाइस ये अगर आप फिर से नए हो चैनल पर, तो गाइस ये जो है ना ये एक ही ब्लॉक में से जो है शुरू हुई थी गाइस ये सीरीज, एक ब्लॉक। इसको माइन करते 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 हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए यार। दिस इज आई बिलीव की स्टेज 6, आई डोंट नो। तो गाइस स्टेज 6 है एंड क्या नाम है, तो हमने घर बना लिया, ये बना लिया। तो पहली बात ये गाइस, पहली बात ये कि मुझे एक विलेजर मिला था, और वो विलेजर ये रहा घोड़े के पास, घोड़े के साथ मेरा विलेजर जो है लगा हुआ है। अबे तू मेरे पास मत आ भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे खाने खिलाने के लिए या कुछ भी। ओके मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास सैंड वगैरह तो है नहीं। तो गाइस मेरा मकसद पता है ये है कि आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मतलब कि पहली बात तो ये कि यार मैं अपने आयरन गोलम को रिपेयर करने वाला हूँ। तो गाइस मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, तो मैंने इसलिए ये चेस्ट्स ब्रेक नहीं किए ताकि भाई मैं आपको दिखा सकूं कि भाई मैंने एक्चुअली में ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ। एंड क्या नाम है, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर एक नया फ्लोर बनाया था, मेरा स्नो कॉलम जो है आई डोंट नो कि कहाँ चला गया। ओके तो गाइस ये है वुड वगैरह, ये है सारे के सारे ब्लॉक्स, मतलब कि कॉबल स्टोन डर्ट वगैरह वगैरह मिक्स्ड ब्लॉक यहाँ पर हैं। यहाँ पे सारा पेड़ पौधा सामान वगैरह जो गार्डनिंग का सामान है वो है यहाँ पे। मेनली जो है वो टूल्स हैं। तो गाइस मेरे पास इतने सारे चेस्ट हैं कि क्या बताऊँ। ओके एंड हियर यहाँ पे भाई खाना पीना है, सब कुछ है। तो एक काम करता हूँ कि थोड़े बहुत ही मैं कैरेट्स ले लेता हूँ अपने साथ। ओके और ये एंड ये साथ इधर यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड कोल जो है गाइस मैं नीचे से कुछ मूव नहीं करना चाहता, और एक्चुअली ये है सारा का सारा जोन सा मतलब कि रॉ माल जो है ना, एमरल्ड रेडस्टोन वगैरह ब्लॉक्स नहीं, मतलब कि जो माइनर चीज़ें हैं वो हैं। तो एक काम करता हूँ कि गाइस मैं एक आई बिलीव कि आप मुझे कह रहे थे एक्चुअली गाइस मानो या ना मानो, मैंने कभी भाई आयरन गोलम को मैंने कभी भी रिपेयर नहीं किया। यस गाइस आई हैव नेवर एवर एवर रिपेयर्ड एन आयरन गोलम। तो गाइस ये आयरन नगेट मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसके ऊपर ऐसे इसको दूँ क्या मैं आयरन नगेट। आपने बोला था कि आयरन गोलम को आप मैं आयरन के ऊपर राइट क्लिक करके दे सकता हूँ या तो आयरन नगेट दे सकता हूँ, लेकिन इसने आयरन नगेट निकाला। तो गाइस आयरन का ओर ही लाना पड़ेगा वो मुझे, आयरन इंगॉट सॉरी, और उसमें से भाई मैं सब कुछ उसके ऊपर लगा दूंगा बिकॉज आयरन गोलम इज माई जान। तो गाइस और यार ओ यस पूरा का पूरा रिपेयर हो गया भाई हमारा आयरन गोलम, यस देयर वी गो। तो गाइस यहाँ पे मुझे आज पता है बड़ी सारी चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें हैं कि भाई मुझे क्या नाम है एक्सपेंड करना है ऑब्वियसली
वी हैव टू एक्सपैंड दी आइलैंड, क्योंकि भाई मुझे एक विलेजर के लिए जो है एक घर बनाना है, और एक्चुअली विलेजर के लिए घर भी बनाना है और मुझे एक लाइब्रेरी भी बनानी है। तो गाइज बाहर ही होगी उसकी लाइब्रेरी, सो ऑल आई एम गोना डू इज मेक अ लाइब्रेरी आउटसाइड, और उस आउटसाइड में भाई मेरी बुक्स वगैरह होंगी, एन्चेंटमेंट टेबल होगा, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है ना। हाँ, और इसको भी तोड़ देते हैं यार, बिकॉज मेलन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मी। यस, मेलन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मी। एक काम करता हूँ भाई, जाके मैं हो ले आता हूँ अपनी हो करने के लिए। ओके, लेट मी टेक माई हो। एंड भाई इधर मैं एक काम करता हूँ, कहाँ गया मेरा माल खाने पीने का। ओके, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये मेलन भी, और पम्पकिन वगैरह तो वहाँ पर जाएंगे। okay, तो गाइस अभी मैंने हो इसीलिए ली हुई है ताकि भाई मैं उन सबको जो है क्या नाम है डर्ट में कन्वर्ट कर सकूं। यस, देयर वी गो, फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट करके भाई इसके ऊपर अभी हम ये लगा देते हैं, जितना भी हो सके गाइस हमसे, जितना भी हो सके हमें फार्मिंग की क्या नाम है जरूरत पड़ेगी। ओके, okay, तो ये हो गया, एंड देयर वी गो, दो तीन और लगा लेते हैं। एंड कौन सा रह गया यार मिडल में, तो चलो ठीक है मिडल वाले में मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर भी एक वीट लगा लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, ये मेलन भी उठा के ले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट गाइज, मुझे बनाना है अपने लाइब्रेरियन के लिए घर। ओ लाइब्रेरियन, तो गाइज हाँ मैंने इसको चूज़ किया कि आई विल टर्न हिम इनटू लाइब्रेरियन। यस गाइज, मैं इसको लाइब्रेरियन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने कोल रख लिया। तो गाइज अगर आप इस स्पॉट पे देख रहे हैं तो हैशटैग क्या, हैशटैग वन ब्लॉक डाउन बिलो, और गाइज लाइक करना मत भूलेगा, फिर से कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। मैं जितना भी हो सके गाइस मैं वीडियो वगैरह लाऊंगा, और लाइव स्ट्रीम अगर आपको चाहिए तो गाइस एक्स्ट्रा लाइक ठोको, और इस वीडियो को समझ लो कि भाई ट्रेंडिंग पे ले जाओ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मुझे चाहिए ढेर सारे ओके प्लैंक्स, और उनको भाई ये भी चाहिए मुझे, और उनको एक मिनट, मैं बिर्च प्लैंक्स मुझे अच्छे लगते हैं वैसे, मैं इनको पता है मिक्स कर लूँगा। ओके, एंड देन फॉर सम डेकोरेशन पर्पसेस। ओके, तो गाइस डेकोरेशन पर्पसेस के लिए मैं एक काम करूंगा कि जितने भी ज़्यादा टेराकोटा है ना वो वाले टेराकोटा यूज़ करूंगा मैं। ओके, देयर इज़ वाइट टेराकोटा, आई डोंट नो विच वन टू यूज़। एक मिनट, एक काम करते हैं कि गाइस ये डार्क प्रिज्मरीन ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो फिलहाल तो अभी रात हो रही है, इसको मैं उठा भी नहीं सकता। एक मिनट, मेरे पास आई थिंक स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं। यस, आई कैन मेक अनदर बेड आई बिलीव। तो एक काम करते हैं कि इनकी जो है भाई, मैंने तीन वूल बना दी, लेट मी जस्ट मेक अ बेड, खुद ही रख लेते हैं। ओके, देयर वी गो गाइस, हमारे तेरे लिए मैंने कितना कुछ कर रहा हूँ यार मैं तेरे लिए। ओके, तो अभी भाई टाइम आ चुका है कि एक काम करते हैं यहाँ पे बेड लगा के, फिलहाल तो मैं भी सो जाता हूँ इसके साथ में ही। ओके, तो सुबह हो चुकी है, सुहाना टाइम शुरू हो चुका है। ओके, मैं अब इसको पता है, ए आयरन गोलम यार प्लीज मुझे थोड़ा बहुत ही सपोर्ट कर लियो। ये कहाँ गया अबे, विलेजर कहाँ गया अबे, मरमुरामत जियो यार, इकलौता विलेजर है भाई तू, इकलौता विलेजर है यार, ये कहाँ पर चले जाते हैं ये। एक मिनट, मेरा ट्रेडर भी यहाँ पे नहीं है। ओ ये रहा विलेजर ये रहा। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ वुड। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना यहाँ पे इधर एक्सपैंड कर लूँ यार, इसके पीछे, हाँ इसके पीछे, मतलब कि ये सारा ना इसको ऐसे सारा बिल्कुल एक्सपैंड कर लूँ, और गाइज इसके बाद में मतलब कि मैं फेंस वगैरह डाल दूंगा उसमें, और देन ऑब्वियसली गाइज वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पे भर लेते हैं, बिकॉज दैट ब्रोक व्हेन क्रीपर एक्सप्लोडेड। यस, क्रीपर एक्सप्लोडेड ऑन अस गाइज। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि अबे ओए चिकन 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 मेरी वीट सीट गायब है। ओए 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 चिकन चिकन इधर आ, चिकन मेरे इधर आ। यार तू इकलौता चिकन है, इधर आ मेरे 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 पपी इधर आ, क्योंकि यार मैंने अपने कातिल को तो लूज कर लिया, तू इधर आ। अबे इधर आना भाई, फॉलो करना भाई, इधर आ, आजा, मेरे चिकन, आजा, तू भाई यहाँ पर आ, तू अंदर है भाई, हाँ इधर आ, अंदर आ, अंदर आजा अब। ओके, देयर वी गो, बाहर मत निकलियो, हाँ, तो ही सेफ एंड सिक्योर गाइस। तो मेरा प्लान है कि यहाँ पर मैं सारा का सारा एक्सपैंड कर दूंगा, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल एक्सपैंड माई क्या नाम है फार्म। तो गाइज आई विल सी यू
जब मैंने ये सारा सब कुछ जो है ना एक्सपेंड कर लिया, ठीक है ना यार, आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, तो इसीलिए मैं सेफ साइड पे जाके मैं अबे यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ओके तो गाइस, ओए होए 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 होए, तेरा एक मिनट, तेरा ट्रेडर कहाँ पे है? अबे यार तेरा ट्रेडर चला गया, पता नहीं कहाँ पे है वो। ओके वेयर इज माय विलेजर एज वेल, आई डोंट सी माय विलेजर गाइस, आई एक्चुअली में, ओ ये रहा ट्रेडर, ये रहा मेरा विलेजर, वो रहा भाई 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 भाई। तो गाइज मैंने अपना सक्सेसफुली थोड़ा बहुत ही जो है बेस जो है मैंने एक्सपेंड कर लिया है, तो गाइज उसको एक्सपेंड करने में थोड़ा बहुत ही टाइम लगा एंड थोड़ी बहुत ही मुझे गिव अप भी करना पड़ा भाई, बहुत सारा सामान जो है मैंने गिव अप किया। ओके आई एम ऑल्सो गोना माइन दिस यार इन केस, क्योंकि भाई मुझे सैंडस्टोन वगैरह चाहिए, दे आर माई फेवरेट यार, सैंडस्टोन आर माई, एक मिनट ये क्या है? ओए ओए नहीं 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 भाई, ओबे गोलम 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 कहां पर है? गोलम इधर आ, अबे गोलम इधर आ, मेरा कातिल कहां पर है? अबे तेरी तो पिलेजर, अबे पिलेजर रही, अबे गोलम कहां पर गया यार मेरा? वेट वेयर इज माय गोलम? ओके ये इसने मुझे क्या दिया? ओके देयर वाजंट, ओके इसने मुझे क्रॉसबो दे दिया। अबे यार सॉरी यार, ये पागल बंदा था जिसने तुझे मार डाला। आई डोंट नो हाउ टू टेम दिस यार गाइस, मुझे इसको टेम करना नहीं आता। एक मिनट, ओह अच्छा अच्छा, इसको भी वीट चाहिए। ओके देयर वी गो, मैं एक काम करता हूँ, ये ले जितना वीट खाना है खा ले, ये ले। गाइस मुझे एक्चुअली में थोड़ी बहुत ही सैंडस्टोन चाहिए, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि आई विल मेक द लाइब्रेरी बेस्ड ऑन सैंड, ठीक है ना। हाँ तो गाइस मुझे जितनी भी बुक्स वगैरह मिली हैं मैं उन सबका कुछ ना कुछ कर दूंगा। एक और पिलेजर भाई। अबे रुक जा, अबे मेरे पास खाली दो हार्ट है यार, एक पड़ी मुझे गाइस, एक पड़ेगी ना। हाँ थैंक यू गोलम, तू अब आया, क्यों आया भाई तू अब? मैं मरने वाला हूँ, तब आया तू, जाके जाने दे यार। ओके गाइस लेट्स स्लीप, मैं इधर आयरन अपना यहाँ पे रख। ओके तो गाइस सो के उठ चुके हैं हम, आयरन हमें मिल चुका है थोड़ा बहुत ही, हमारा गोलम भी थोड़ा बहुत ही रेडी ही है फाइट करने के लिए, एंड गाइस मैं इसको माइन कर रहा हूँ ताकि भाई हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएं। तो गाइस मेरे मतलब कि मन में एक आइडिया है, एक्चुअली गाइस मेरे पास बहुत सारी वुड थी, वो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही यूज़ होगी मेरी वुड। तो ओ यस गाइस, और एमरल्ड मिला मुझे, क्या बात है, और एमरल्ड मिल रहा है मुझे, एंड देयर वी गो, मोर रेडस्टोन। डोंकी इधर आ, अबे कितना खिलाऊं मैं तुझे, इधर आ, ये ले, खा, आराम से, अबे भाई अब टेम भी हो जा। ओके देयर वी गो, आई कांट इवन टेम हिम। ओके ये ले, मुझे बैठने दे दे मुझे अपने ऊपर भाई, मेरे पास सैडल भी नहीं है ताकि मैं तेरे ऊपर बैठूं। ओके बैठने दे दे भाई मुझे अपने ऊपर, प्लीज बैठने दे दे। अबे यार इनको कितना मैं वीट खिलाऊं यार, एक मिनट आ जा तू, इधर आ, अबे इधर आ डॉग। ऑलराइट तो गाइस सिंस हमारे पास भाई ढेर सारा सैंडस्टोन नहीं है, तो गाइस हम यहाँ पे एक अपने विलेजर के लिए प्यारी सी ना लाइब्रेरी बनाने की सोच रहे हैं। ओके तो उसको बनाने के लिए हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा। हाँ इसके ऊपर एक ऐसे रख लेते हैं सैंड स्टोन, और इसके ऊपर भी हम ऐसे, एंड देन देयर वी गो, इसको ऐसे कवर कर लेते हैं, एंड लेट्स नाउ ब्रिंग मोर सैंड स्टोन। भाई विलेजर कहाँ गया हमारा? वेयर इज अवर विलेजर? वो विलेजर भाई इधर ही कहीं ना कहीं होगा भाई, तुझे विलेजर को यहाँ पे, हाँ तेरे लिए भाई मैं एक घर बना रहा हूँ, तू इधर खड़ा हुआ है। ओके लेट मी जस्ट टेक मोर सैंड स्टोन, मे बी सम परहैप्स, ओ मेरे पास वुड्स हैं यहाँ पे। ओके तो मुझे ये सब भी चाहिए, तो गाइस ये सब मैं ले लेता हूँ, बुक्स वगैरह ले लेता हूँ, मुझे और भी बुक्स बनानी पड़ेंगी, ओ बुक्स बनानी पड़ेंगी कह रहा हूँ, मुझे और भी क्या नाम है बुक शेल्फ बनानी है, एक आई थिंक एक बुक शेल्फ मेरे से और बन सकती है। आई थिंक आई हैड सम बुक्स, कहाँ पे गया मिक्स सामान, ये रहा। ओके वेयर इज़ माई बुक्स, ये रही। तो गाइस आई थिंक आई कैन मेक सम बुक्स, इसको प्लैंक्स इधर ऐसे 32 प्लैंक्स ले लेते हैं, आई थिंक दैट शुड बी एनफ टू मेक सम बुक शेल्फ्स। ओके कहाँ गई भाई बुक शेल्फ्स, ये रही बुक शेल्फ्स। ओके डोक जितनी भी बन सकती हैं भाई बना दो,
ओके तो गाइज हमारे पास 8 बुकशेल्व्स बन चुकी हैं एंड आई एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो अभी फिलहाल भाई मुझे लेक्टन बनाना है। लेक्टन के लिए मुझे चाहिए डार्क ओक्स, अच्छा स्लैब चाहिए और एक ये चाहिए। ओके भाई ये ले आ जा। ओके सो गाइज हमारा लेक्टन भी बन चुका है, हमारे पास सब कुछ है विच आई नीड। ओके तो यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं टेरेकोटा को वगैरह रख लेता हूँ जो कि भाई हमें नहीं चाहिए। जोन जोन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और दिस इज व्हाट आई नीड, रेड सैंड, रेड स्टैंड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। देयर वी गो, लेट्स गो एंड मेक आवर क्या नाम है, मेक आवर लाइब्रेरी। ओके तो यहाँ पे भाई मुझे थोड़ी बहुत ही स्टिक्स, अबे यार ये बिर्च के प्लैंक्स मुझे यूज नहीं करने, चलो कोई बात नहीं। ओके मुझे चाहिए ये, हाँ तो जितने भी बन सकते हैं ये दे दो मुझे 6 और ओके देयर वी गो और एंड देयर वी गो, चलो बन गए। ओके तो गाइस नाउ आ जा यार मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके आई नीड द लाइब्रेरी टू बी परफेक्ट। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ लाइब्रेरी बनना के। ओके तो गाइस अभी हमारा थोड़ा बहुत ही चेंज ऑफ प्लान हो गया। तो मैंने थोड़ी बहुत ही माइनिंग भी कर ली थी वहाँ पे, थोड़े बहुत ही सैंडस्टोन ले लिए मैंने। ओके तो ये फिर से आ गया, लेकिन आई रियली डोंट वॉन्ट टू सी दिस यार, कितने ये टेराकोटा आते हैं यार। एनीवेज गाइस तो चेंज ऑफ प्लान हो गया क्योंकि भाई मेरे पास 9 ये हैं। सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली गेट 64 ऑफ दिस। तो गाइस मुझे जोन से फेंसेस बनानी है ना, वो जो हैं कुछ ज्यादा ही मुझे ये वाला चाहिए। और गाइस तो अभी हमने जो है हमारी लाइब्रेरी जो है गाइस प्यारी सी बना ली है और हमारा विलेजर फाइनली लाइब्रेरियन भी बन चुका है। तो गाइस हमारे पास 7 बुकशेल्व्स थी जैसे कि आपको पता ही है। तो 7 बुकशेल्व्स में से भाई मैंने 4 यहां पे लगा दी और एक ये। भाई तू क्या दे रहा है मुझे, पियर्सिंग 2। भाई मेरे पास 27 एमरल्ड नहीं है, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर यू भाई। मुझे अब तेरी ये कवर करनी है फॉर विच आई ऑल्सो नीड सम सैंडस्टोन। तो गाइज मैं इसको यहाँ पे अभी ऐसे ही रखने वाला हूँ फिलहाल भाई तू ऐसे ही रह। तो गाइज नाउ अब मुझे भाई एक झोपड़ी बनानी है एक लेक्टन वगैरह के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत ही ना कोल उठा लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे कोल ले लिया मैंने, यहाँ पे मुझे बस फायर प्लेस बनाना है, एक फायर प्लेस बनानी है मुझे। कहाँ गई यार वो फायर प्लेस, नाउ आई थिंक आई कैन मेक सम कैंप फायर। तो गाइज नाउ अब मुझे भाई और स्लैब्स भी चाहिए। तो गाइज आई ऑल्सो नीड सम स्लैब्स। तो एक काम करते हैं कि मैंने स्लैब्स भी ले लिया 18 और अभी हमें एक मिनट ये कौन था, अरे ये तो ट्रेडर है। हाँ तो अभी हमें एक विलेजर के लिए गाइज हमें एक घर बनाना है। ऑलराइट तो गाइज यहाँ पे भाई अंधेरी रात हो चुकी है और मैंने उसका सामने घर तो बना लिया मैंने, बट आई कांट रियली गो देयर नाउ बिकॉज भाई वहां पे इतने सारे मॉब्स है कि गाइज पूछो मत। एक काम कर दो तो मैं यहीं पर ही सो जाता हूँ। तो गाइज हमने सारे के सारे वो चॉप डाउन कर दिए ट्री, अभी मैंने ओक सैपलिंग भी हमने लगा दिए हैं क्योंकि मेरे पास चेस्ट में भी पड़े हुए थे। तो अब मैं एक काम करूंगा कि अपने जंगल को छोड़ के इस चीज को एक्सपैंड करूंगा बिकॉज यहाँ पे जो भी है मेरा माल भाई, अंदर भी गार्डनिंग पड़ी हुई है भाई बहुत सारी, उन सबको मैं एक्चुअली में ऐसे लंबे में फार्म बनाना चाहता हूँ ताकि भाई मेरे पास इन्फिनिटी फूड सोर्स हो और भाई जगह जगह पर भाई मेरे ट्रीज मतलब कि पड़े हो और भाई मुझे कोई चिंता ना हो। अबे यार लाइब्रेरियन पीछे हट जा यार, नहीं तो ऐसी बेफालतू में तू भी मारा जाएगा बेफालतू में तू मारा जाएगा यार। एक मिनट इसको ले लेते हैं एंड देन Guys, there we go. यहाँ पे और लगा देते हैं एंड नाउ गाइज लेट्स एक्सपैंड द फार्म फर्स्ट, फिर भाई उसके बाद हम ये इन्फिनिटी वाटर सोर्स से उठा के भाई सब कुछ हम बना लेंगे अपना। ओके गाइज तो अभी हमारा बेस जो है वो बन चुका है और हमारे सारे ट्रीज भी मतलब कि थोड़े ट्रीज जो हैं हमारे वो ग्रो होने लग चुके हैं। एक्चुअली फॉर नाउ टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूँ कि ये सारा सब कुछ मैं तोड़ देता हूँ बिकॉज आई डोंट रियली नीड दिस। सारे के सारे ट्रीज मतलब कि आसपास में है यार, मैं हमको ना मिस माय कातिल यार, ये घर कभी भी नहीं टूटेगा गाइस। इसको एक्चुअली मैं यहाँ पे साइन बना के भाई आर आई पी कातिल कर देता हूँ। कहाँ गया भाई मेरा साइन,
वेट हाउ डू आई मेक देयर वी गो गाइस, मुझे चाहिए एक स्टिक एंड ओके ये तो आरआईपी कातिल हमने लिख लिया यार। ऑनेस्टली गाइस वी आर गोना मिस हिम। आई होप कि भाई मुझे कातिल जूनियर अब मिल जाए। हाँ मुझे कातिल जूनियर की दे रही है भाई, मेरे पास बस इतने ही ब्लॉक्स हैं विच आई डोंट रियली नीड। तो एक काम करते हैं गाइस कि इट्स टाइम फॉर अस नाउ टू एक्सपेंड माई फार्म। तो जौन सा एग्जिस्टिंग फार्म है भाई वो समझ लो कि आर आई पी टू दैट। और कहाँ गया भाई मेरा कॉबल स्टोन, ये रहा कॉबल स्टोन। एंड सीधी की सीधी लाइन जो है हम यहाँ पे खींच लेते हैं, इसको बाद में तोड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ इसको भी यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, देयर वी गो। लाइब्रेरी के थोड़ा पास हो गया लेकिन इट डजंट रियली मैटर। तो जैसे ही भाई मेरे पास एक और विलेजर आएगा तो मैं यहाँ पे वो रख लूँगा, जो भी होता है वो विलेजर को फार्मर बनाने के लिए, हाँ वो मैं रख लूँगा क्लस्टर, हाँ क्लस्टर कहते हैं उसे। तो गाइज मैं क्लस्टर यहाँ पे रख लूँगा। ओके तो गाइज हमारा फार्म जो है बहुत ही बड़ा फार्म बन चुका है भाई। अबे नहीं 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 ओके तो गाइज यहाँ पे मैंने तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फार्म बना लिया, लेकिन डू आई इवन हैव दैट मैनी सीड्स। ओके तो गाइज यहाँ पे मुझे इतने कॉबलस्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन गाइज मुझे डर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। तो व्हाट आई नाउ डू इज़ बेसिकली लगाओ सीड ही लगाओ, बस सीड लगाते जाओ भाई, सीड ही है हमें लगानी है। तो गाइज आई विल नाउ सी यू। अब यार इसका अगर मैं पता है ऑटोमेटिक फार्म बना लेता है यहाँ पे तो गाइज मतलब कि बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जानी थी फिर वहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू मेक ऑटोमेटिक फार्म। हाँ तो गाइज मुझे ऑटोमेटिक फार्म बनाने नहीं आता है, तो अगर आपको आता है तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि भाई वो कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली रेडस्टोन वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक फार्म में मतलब कि भाई मुझे हर चीज़ एक ड्रॉपर में चाहिए। ड्रॉपर में से मतलब कि एक चेस्ट में चली जाए या कुछ में चली जाए, ठीक है ना। हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि भाई वो कैसे बनाते हैं, लेकिन फॉर नाउ यहाँ पे अभी हम सारे के सारे सीड्स, बहुत ही खतरनाक और बड़ा फार्म जो है भाई हमारा बन चुका है। तो आज अगर हम रिवाइज करें कि भाई हमने क्या क्या बनाया है, तो गाइज हमारे पास डोंकी आ गए, ये चीज़ें आ गई, एंड आई एक्चुअली ऑल्सो डोंट नीड दिस सो माइट एज वेल जस्ट ब्रेक दिस। तो गाइज हमने अपने आयरन कॉलम को रिपेयर कर दिया, हमने क्या नाम है कातिल को 16 तोपों की सलामी दे दी आरआईपी कातिल लिख के, और हमने एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना दिया, और हमने उसके लिए एक घर और एक लाइब्रेरी और विद एन्चेंटमेंट टेबल वहाँ पे रख लिया, एक मुर्गा मिल गया हमें, ये मिल गया, ट्रेडर हमारा वहाँ पे घूम रहा है। तो गाइज आई थिंक इस वन ब्लॉक सीरीज़ के लिए इतना ही, मेरा तो अभी सर फट रहा है। तो गाइज वन लाइक इक्वल्स 1 रुपीज, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि भाई आप क्या मतलब कि सजेशन देना चाहते हो कि भाई मैं उनका क्या दूं। तो गाइस मेक श्योर यू लाइक द मोर द बेटर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।